आज पठानकोट विधानसभा में विशेष रूप से श्री मनीष सिसोदिया जी डिप्टी सीएम आप पार्टी के विशेष रूप से पठानकोट में पहुंचे और उन्होंने एक विशेष वार्ता में व्यापारी वर्ग से कहा कि चुनावों के पश्चात आप सरकार बनने के उपरांत आप लीडर होकर यहाँ पर कार्य कर सकते हैं और शिक्षा के लिए उन्होंने कहा कि बच्चे लीडर होकर शिक्षा ले सकते हैं और उन्होंने कहा कि यहाँ से पूरे पंजाब को नशा मुक्त किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस चुनावों के चलते पंजाब दौरे पर है और उनकी ओर से पंजाब राज्य के हर जिले में जाकर पार्टी की नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उसी की तर्ज पर मनीष सिसोदिया पठानकोट हलके से उम्मीदवार राजू महाजन के लिए इस चुनाव को ध्यान में रखते हुए पठानकोट पहुंचे और उन्होंने इस मौके पर एक निजी होटल में आप पार्टी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में व्यापारियों से मुलाकात की और उन्होंने व्यापारियों से बैठक करते हुए कहा कि पंजाब में आप सरकार बनने के बाद व्यापारियों के हितों में का खास ध्यान रखा जाएगा और युवा वर्ग को रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने लोगों को लूटने के सिवा और कोई कार्य नहीं किया और उन्होंने कहा कि शिक्षा को उच्च स्तर पर ले जाना हमारा पहले कार्य होगा। पंजाब के व्यापारियों से मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी तक पंजाब में ऐसी सरकार काम कर रही थी जो किसी व्यापारी का व्यापार जरा भी आगे बढ़ता था तो उसमें से नेताओं के लिए रिश्वत मांगी जाती थी, टैक्स, नेता टैक्स मांगा जाता था, उसको बादल टैक्स कहते थे। मुक्ति दिलाने के लिए इस चुनाव का इस्तेमाल करें और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में टैक्स कम करके, रेड राज बंद करके, व्यापारियों के हित में बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज बना के, सारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट करके सरकार चला रही है, वैसी सरकार पंजाब में बनेगी। और 11 तारीख के बाद मैं पंजाब के व्यापारियों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ आपके जीवन से ये जो नेताओं के कष्ट हैं, सिस्टम के कष्ट हैं, वो दूर हो जाएंगे। चाहे कोई भी व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग वाले, ट्रांसपोर्ट, मेडिसन वाले सारे आए सन उत्थे, उन्होंने आन के उन्होंने विचारों को सुनिया और सारे ने वादा किया कि असी इत्थे इस बार आम आदमी पार्टी का ही साथ देंगे। और वड्डी गल है भी साडे मनीष सिसोदिया जी ने जो विचार रखे उन्होंने उन्होंने कहा भी किसी भी तरह का टैक्स हो, चाहे वह सेल टैक्स है, चाहे वह रेल टैक्स है, चाहे वह जेल टैक्स है, चाहे वह मेल टैक्स है, चाहे वह तेल टैक्स है, सब 4 मार्च तो बाद खत्म कर देंगे। अज 4 XMC ने तो बाकी होर भी व्यापारी लोगों ने काफ़ी ने ज्वाइन किया। कैमरामैन अभिषेक के साथ अनिल भारद्वाज, पंजाब सहारा समाचार, पठानकोट।